नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सपने हम सभी को आते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र और ज्योतिष कहता है कि यदि आपको सपने का अर्थ समझना आता है तो आप भविष्य में आने वाली कई समस्याओं को हल कर सकते हैं, और सपने से मिलने वाले संकेतों को समझकर आप भविष्य में कई प्रकार की मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों सांप का सपना आना ज्यादातर स्थितियों में शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब सांप का सपना बुरा, अशुभ या अपशगुन माना जाता है। तो आज हम उन्हीं स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जब सांप का सपना आना अच्छा नहीं होता, यानी सपने में सांप को देखना अच्छा फल नहीं देता। यदि आप सपने में सांप को डसते हुए अपने आप को देखते हैं, यानी सांप आपको डस लेता है, काट लेता है, तो ऐसा सपना यह संकेत देता है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, अनहोनी का अंदेशा हो सकता है और आपको सावधानी से आगे कदम रखने चाहिए। जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आपको गाड़ी वगैरह चलाते हुए विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी से व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, यानी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी वाद विवाद में पड़ना चाहिए, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि सपने में सांप आपको डरा रहा है और आप डर रहे हैं, तो इसका अर्थ होता है कि भविष्य में आपको कोई अपना या कोई अनजान धोखा दे सकता है, इसलिए आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसी प्रकार सपने में सांप और नेवले की यदि लड़ाई देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा सपना देखना या ऐसे सपने का अर्थ होता है कि भविष्य में आपको कोर्ट कचहरी के समस्याओं में अपना समय बिताना पड़ सकता है, इसलिए आपको दूसरों पर भरोसा कम करना चाहिए, दूसरों से वाद विवाद में परहेज करना चाहिए। यदि कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है तो उसे आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए, वरना यदि कोर्ट कचहरी के चक्रों में आप पड़ेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान देखना पड़ सकता है। यदि आप अपने ऊपर सांप को गिरते हुए देखते हैं या सांप की बरसात देखते हैं, तो ऐसे सपने का अर्थ होता है आपका कोई अपना या आपका फैमिली मेंबर किसी बीमारी का शिकार हो सकता है, इसलिए यदि आपको ऐसा सपना आता है तो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। इसी प्रकार सपने में सांप यदि आपको बड़े दांत दिखाता है, तो इसका अर्थ होता है कि आपको अपने शत्रुओं से खतरा हो सकता है या आपका अपना सगा संबंधी रिश्तेदार आपको धोखा दे सकता है। यदि सपने में सांप अपने बिल से बाहर निकलता है, तो ऐसा सपना देखना आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि भविष्य में आपको धन हानि हो सकती है। यदि आपको बार बार सांप सपने में दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि आपको कल्प सर्प दोष और पितृ दोष के लिए पूजा अर्चना करवानी चाहिए और मुक्ति पानी चाहिए। ऐसा ना करने से आपको भविष्य में हानि हो सकती है। यदि सपने में सांप आपका रास्ता काट जाता है, तो ऐसे में आपको कहीं शहर से दूसरी जगह पर जाना है, तो अपनी यात्रा को आप टाल दें, क्योंकि यात्रा की दृष्टि से ऐसा सपना देखना शुभ नहीं माना जाता। यदि सपने में मरा हुआ सांप दिखाई दे, तो ऐसा सपना देखना अशुभ होता है, ऐसे में आपको शिव मंदिर जाकर शिव की मूर्ति या शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और जरूरी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों ये वो सपने होते हैं जब आपको सपने में सांप दिखाई देता है और जिसके परिणाम अशुभ या बुरे होते हैं। इन सभी अशुभ परिणामों से बचने के लिए आपको नियमित रूप से शिव मंदिर जाना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप दिल से अच्छे हैं, अपने कर्मों से अच्छे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ भगवान खुद होते हैं। तो मित्रों ये थी जानकारी जो हमने जरूरी समझा आपको देना। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो हमसे जरूर पूछिए, और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।